गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज है आज़ादी बीच। तो आपको, आप सभी को आज़ादी बीच की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अभी राहुल से मिलवाती हूँ और हम नाश्ता करने बैठ चुके हैं, तो नाश्ता फिर दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है। हेलो राहुल, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, बैठे रहते हैं। ये देखिए, आज मैंने नाश्ते में बनाया है बखारी लाभाल, यानी छोटे किया हुआ राइस, साथ में है पापड़ गाठिया, चाय और गर्मा गर्म परोठे। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चलिए, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11:30। मैं रात के बोलने जा रही थी, सुबह के 11:30 बज चुके, पानी आ चुका है, पानी पूरा खाली है क्योंकि पिछली बारी हम नहीं भरा था इसलिए। तो चलिए फटाफट से पूरा पानी भर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठेंगे। और कपड़े मैंने धोकर सुखा भी दिए हैं। चले पहले पानी पी लेते। तो आज फिर से काल हो गया, घड़ी बंद हो गई है हमारी। और मैंने अभी जाकर नोटिस किया कि घड़ी बंद हो चुकी है। मैं तो अपने टाइम से खड़ी हो गई क्योंकि पानी आ चुका होगा, टाइम हो चुका था तब चालू थी घड़ी, पर शायद पीछे रह गई होगी, इस वजह से पानी भी नहीं भर पाई मैं। थोड़ा सा ही मतलब मैंने जब चालू किया ना, पानी तो आया, थोड़ा सा ही आया, लेकिन शायद लास्ट की 5 मिनट बची होगी तब मैं जाकर खड़ी हुई, इसलिए 5 मिनट का पानी मैंने भरा है अभी। बाकी पूरा खाली है, देखिए पूरी खाली, ये देखिए पूरा खाली है, मुझे पूरा भरना था। ये कैन भरा हुआ है और ये है ना, मैं भर रही थी तो ये आटा भरा हुआ, ये भी खाली है, वो भी खाली है, घड़े भी खाली है, सब पानी खाली है। चल आ गया पानी, अभी कुछ नहीं कर सकती, अभी चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी आराम करते हैं, और कुछ कर नहीं सकते। अभी जब नेक्स्ट टाइम पानी आएंगे तब सारा भरना पड़ेगा। और नेक्स्ट आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेंस लाएगा तो तब हम पढ़ेंगे। चलिए अभी रूम में जा रही हूँ, सेटअप बोलूँगी नहीं, राहुल सो रहे हैं इसलिए। तो अभी बज चुके हैं 5:05 हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट के टाइम बाकी है। और राहुल जा रहे हैं मम्मी के घर, मैं नहीं जा सकती इसलिए मैं आज घर पर ही रुकूँगी। राहुल जा रहे हैं, वो सीधा अभी आएंगे रात को। जल्दी आना रात को राहुल, मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। क्या सुनाई नहीं दे रहा? फोन करना। ओके करूंगी, मैं नहीं करूंगी, आप आ जाना। बाय, धीरे जाना, जय श्री कृष्ण। बिस्किट खानी है आपको? उसकी टंग तो देखिए पिंक पिंक। चलो दे देती हूँ। दूसरा भी आ गया। तो अभी बज रहे रात के 10 और राहुल वापस आ चुके हैं। तो चल के राहुल मुझे लेकर जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन घर पर ऐसे ही बैठी हुई थी मैं। और क्या कहें, पीरियड्स की वजह से बैक पेन भी हो रहा था और कमर भी दर्द कर रही थी, क्या क्या हो रहा था इसलिए घर पड़ी। ऐसे ऐसे सोते सोते ही चला गया पूरा दिन। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा राउंड लगाने के लिए। तो चलिए, जब तक मैं राउंड लगा कर आती हूँ तब तक आप क्या कहते हैं शोभा यात्रा के जो मेरी क्लिप्स है ना वो देख लीजिए। जो मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स आई है वो मैं ऐड कर रही हूँ, तो आप वही देख लीजिएगा। बाकी मैं तो नहीं जा पाई, तो मैं अपने हिसाब से शूट नहीं कर पाई, मैंने कुछ अलग प्लान किया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो वो अभी प्लानिंग नेक्स्ट ईयर
हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं राम लगाने, तब तक आप वो देख लीजिए, तब तक हम राम लगा कर वापस आती हैं। हैं सोडा पीने के लिए और आ गए हैं हमारी ठंडी ठंडी सी सोडा। चलिए सोडा पी लेते हैं और हम यहाँ पर है हाईवे पर। वापस आ चुके हैं राउंड लगा कर और चलिए अभी फ्रेश होते हैं वापस से और थोड़ी देर बैठते हैं फिर सो जाते हैं। कल से राहुल की डे शिफ्ट है तो सुबह सुबह जल्दी उठकर उनके लिए लंच बनाना है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देंगे। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बीच पर शोभा यात्रा में नहीं जा सकती, आपको कुछ मैंने खुद शूट कर कुछ नहीं दिखा पाई, इसीलिए सॉरी। अगले साल पक्का आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं ही एंड कर देंगे और कुछ बाकी नहीं रहा। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं वो चलिए चलिए से सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय बाय।